नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिशित कवथिया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आपको वायर्ड हेडफोन या ईयरप्लस लेने चाहिए या फिर वायरलेस हेडफोन या ईयरप्लस लेने चाहिए, कौन सा बेटर है। सो लेट्स सी। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले वायर्ड हेडफोन या ईयरप्लस की बात करें तो दोस्तों उनका जो सबसे बड़ा मेजर फ्लॉबैक है वो यही है कि वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता, क्योंकि आप जब भी उसको यूज़ करोगे वो वायर आपके गले पर लटकती रहेगी और उसका जो रेंज होती है वो भी बहुत कम होती है। मतलब आप आपके फ़ोन से दूर नहीं जा सकते, आपने अगर लैपटॉप में कनेक्ट किया है तो आप लैपटॉप से भी दूर नहीं जा सकते। वहीं अगर दोस्तों हम वायरलेस की बात करें तो वायरलेस में आपको बहुत ही कन्वीनियंट मिलता है, वो आपके कान में आपने लगा दिया फिर आप आराम से 20-25 मीटर तक दूर जा सकते हो और आपके गले में कोई तार भी नहीं लटक रही होती, तो आपको कन्वीनियंट लगता है। लेकिन दोस्तों अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों वायरलेस जो होता है उसमें हमें हमेशा बैटरी का ध्यान रखना ही पड़ेगा, मतलब अगर बैटरी गई तो वो चीज़ नहीं चल पाएगी। और दोस्तों बैटरी कभी अगर ऐसा हुआ कि जब ज़रूरत है तभी बैटरी नहीं हुई तो आप क्या करोगे। दोस्तों ये चीज़ आपको वायर वाले में एडवांटेज मिलता है कि अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ईयरप्लग्स यूज़ करने और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फिर भले ही आपके पास बैटरी ना हो लेकिन फिर भी अगर आपको गाने सुनने हैं, आपको ईयरप्लग्स यूज़ करने हैं तो आपको बस वो वायर को कनेक्ट करना है और आप बड़े ही आराम से यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों ये तो गए वायर्ड और वायरलेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लेकिन दोस्तों हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा कन्वीनियंट है। दोस्तों दोनों के बीच का एक आता है जो आप वायर्ड भी यूज़ कर सकते हो वायरलेसली भी यूज़ कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। क्योंकि दोस्तों आपको जब भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे सिर्फ गाने सुनने हैं या फिर मुझे कोई मूवी देखनी है कन्वीनियंटली, मुझे कोई तार नहीं चाहिए अपने गर्दन पे, तो आप वायरलेस यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कभी इमरजेंसी में किसी को यूज़ करना है, आपके पास अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो आप वायर लगा कर यूज़ कर सकते हो, दोस्तों बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन दोस्तों उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो कंपनी होती है वो आपको कम से कम पैकेज में आपको दोनों चीज़ें देने की कोशिश करती है, वायर्ड भी और वायरलेस भी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक जगह पे कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, क्योंकि आखिरकार उनको भी तो प्रॉफिट करना होता है। तो दोस्तों ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें ढूंढनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोडक्ट सच में अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट सच में दोनों चीज़ों में अच्छी है। और दोस्तों वायरलेस की अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे किसी ने वायर्ड ईयरप्लग्स पहने और उनके कान में एक्सप्लोड हो गए, उनकी डेथ हो गई। दोस्तों वायरलेस जो भी प्रोडक्ट्स है वो फट सकती है, एक्सप्लोड हो सकती है, फिर वो भले ही आपने उसको पहनते वक्त सो गए या फिर आपने उसको आपके पॉकेट में रखा है और उस पर कहीं से एक्सट्रीम प्रेशर आ गया है, फिर आपने उसको बैगेज में रखा है और वो आपका बैगेज के ऊपर किसी का और का बैगेज आ गया और वो दब गया, तो वो चीज़ एक्सप्लोड हो सकती है। दोस्तों ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वायरलेस वाले में कि ये हमारी लाइफ को डेंजर भी डाल सकता है अगर इसका यूज़ हमने इनकन्वीनियंटली किया है तो। क्योंकि दोस्तों आफ्टरऑल उसके अंदर है तो बैटरी, और अगर उसके ऊपर एक हद से ज़्यादा प्रेशर आएगा या फिर वो लीक हो जाएगी तो फटेगी, और दोस्तों बाई चांस अगर आपने उसको पहना हुआ होगा तो आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप वायरलेस ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कोई भी कंपनी का ना ले लें, कोई रेप्यूटेड कंपनी है उसका ही ले और उसकी भी अच्छी प्रोडक्ट ले जिसके रिव्यूज़ और वगैरह सब अच्छे है। और दोस्तों वायरलेस का सबसे बेस्ट फायदा यही है कि वो आपको साउंड बुरी दे सकते हैं, आपको इनकन्वीनियंस दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ को कभी डेंजर नहीं कर सकते, वो भले ही आपको इनकन्वीनियंट लगे लेकिन वो कभी एक्सप्लोड नहीं कर सकते। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉबैक है वायरलेस ईयरबड्स का। लेकिन दोस्तों आजकल वैसे भी सभी फोन्स में से 3.5 mm जैक निकल रहा है, टाइप सी पोर्ट वाले ईयरप्लग्स बहुत कम आने लगे हैं, तो दोस्तों आजकल वैसे भी सब लोग ब्लूटूथ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी प्रोडक्ट चूज करना सबसे बेस्ट होगा जो ब्लूटूथ भी काम करे एज वेल एज वायर्ड भी काम करे। और दोस्तों और एक एडवांटेज की बात करूँ वायर्ड वाले में, तो वायर्ड वाले में आपका फोन की चार्जिंग या लैपटॉप की चार्जिंग बची रहेगी, क्योंकि आपको सिर्फ प्लग इन करना है, क्योंकि अगर आपने वायरलेस को कनेक्ट किया तो आपको ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा जब तक आपने उस डिवाइस को कनेक्ट करके रखा है, तो दोस्तों उतनी आपकी चार्जिंग भी ज़्यादा जाएगी वायरलेस में। तो दोस्तों ये तो है वायर्ड और वायरलेस के फ्लॉबैक्स और वायर और वायरलेस के एडवांटेजेस। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी 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 जगह पे बेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट है, और दोस्तों हमें दोनों ही यूज़ करना चाहिए। दोस्तों बेस्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो आप एक वायरलेस रखो और एक वायर्ड रखो, किसी इमरजेंसी में वायर्ड को यूज़ करना है, कभी अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी हो तो आप वायरलेस को भी देख सकते हो, आप वायर्ड को आप सिर्फ ऐसे बैकअप रखोगे अगर आपको कभी यूज़ करना हो चार्जिंग नहीं है तो।
तो दोस्तों ये तो थे मेरे ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए सुनिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए।